तो सबसे पहले जान लेते हैं हमारे तीन नए स्टॉक के बारे में जो इस महीने बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मार्केट में बहुत ज़्यादा हलचल है, ऊपर और नीचे बहुत ज़्यादा कर रहा है। पिछले साल में हमारे सारे स्टॉक्स ने लगभग बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। 2 महीने हमें नेगेटिव रिटर्न मिले हैं, वो भी -4% और -1% का रिटर्न 2 महीने में मिला था। बाकी सारे महीने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया है हमारे स्टॉक्स ने, और दिसंबर मंथ में तो धूम मचा दी, लगभग 65% रिटर्न दिया है हमारे स्टॉक्स ने। एक जो स्टॉक था ना, उसने लगभग 3 गुना रिटर्न दिया। 142 के लेवल पे सजेस्ट किया था, 390 के लेवल का हाई लगाया उस स्टॉक ने। FACT कंपनी जो मतलब हाईएस्ट, मतलब पूरे एक्सचेंज के अंदर में हाईएस्ट रिटर्न कह सकते हैं पूरे मंथ में दिया हो, वो स्टॉक हमने पकड़ लिया था। और जहां तक दूसरे स्टॉक की बात है, सीएट, उसने भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, लगभग 10% के आसपास उसने रिटर्न दिया था। और तीसरा स्टॉक था हाईटेक, हाईटेक ने भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, लगभग 11.8% का उसने रिटर्न दिया था। और एक मंथली स्टॉक सजेस्ट किया था RHIM, उसने तो भैया 1 महीने में ही वो मंथली ईयरली रिटर्न जैसा दे दिया है, लगभग 14% के आसपास उसने रिटर्न दिया है। अब जान लेते हैं तीन स्टॉक जो इस महीने में अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। एक स्टॉक मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में बताया था, 172-173 के लेवल के आसपास बताया था, अभी उसका 190 के आसपास उसका लेवल चल रहा है। यहाँ पे भी बहुत अच्छे लेवल पे खड़ा है, यहाँ से भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं पहला स्टॉक के बारे में, जो एक ऑटोमोटिव फील्ड की कंपनी है। इसको मैं सिंपल टर्म्स में समझाने की कोशिश करता हूँ। आप अगर कार चलाते हैं तो कार के अंदर में क्या क्या होता है? एक इंजन होता है जो सबसे मेन पार्ट होता है, उसके बाद में उसकी बॉडी होती है, चेसिस होता है, और उसके साथ में उसके कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो कंपनी ये सप्लाई करती है। इसके साथ में कार के अंदर में इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी लगे रहते हैं, इसमें मैग्नेटिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं रोल, वो भी ये कंपनी सप्लाई करती है। और इसने जो इतने साल की रिसर्च की जो स्पेशलिटी हासिल की है ना, उसका ये परिणाम है। और इस फील्ड में इनके साथ में उतना अच्छा कंपटीशन नहीं है लोगों का, ये एक तरफा वर्चस्व रखती है इस सेक्टर के अंदर में। ये जो कार की मैंने बात बताई ना, सेम टू सेम लागू होती है ट्रक्स के अंदर में, सेम टू सेम लागू होती है जेसीबी, जो आप अर्थ एक्सकवेटर देखते हैं उसके अंदर में भी सेम टू सेम चीज, मतलब हर जगह, इवन मोटरसाइकिल के अंदर में भी ये पार्ट सप्लाई करती है। तो ये कंपनी एक तरह से पूरी डाइवर्सिफाइड है और फैली हुई है इस सेक्टर के अंदर में, लगभग सारी कंपनीज को ये सप्लाई करती है अपने माल को। जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा ले लीजिए, मारुति सुजुकी, TVS, बजाज ऑटो, अशोक लीलैंड, रेनॉल्ड्स, फोर्ड, हनीवेल, हुंडई, जेसीबी, किसी भी कंपनी का नाम लीजिए, वहां पे ये प्रोडक्ट सप्लाई करती है। इसके लगभग 31 प्लांट्स है और 8 प्लांट इसके यूरोप में लोकेटेड है, बाकी इंडिया के अंदर लोकेटेड है। अब इनके इतने सारे प्लांट है तो इसको बिजली तो चाहिए ना, बिजली कहाँ से मिलेगी? तो इन्होंने एक कंपनी को एक्वायर किया जिसमें 31% स्टेक इन्होंने बाय कर लिया है, जो कैप्टिव पावर प्लांट बनाती है, जो अंदर में ही प्लांट के अंदर में ही इन्हें पावर सप्लाई कर देगी। रिन्यू सूर्या आलोक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसके अंदर में इसने 31% अपना स्टेक खरीदा है। और इस कंपनी, ये फॉरेन की कंपनी है बेसिकली, और इसके अंदर में प्रमोटर जो है ना इसके, वो धीरे धीरे अपना स्टेक को बढ़ाते जा रहे हैं। लगभग 66% के आसपास इस कंपनी के अंदर में प्रमोटर का स्टेक था, जिन्होंने बढ़ाकर अभी 75%, मतलब हाईएस्ट की जो लकीर होती है ना, इसके ऊपर सेबी अलाउ नहीं करती है, एक्सचेंजेस अलाउ नहीं करते हैं, उसके ऊपर तक, वहां तक, उस लेवल तक ये पहुंच चुकी है। और इस कंपनी के अंदर में फॉरेनर कंपनी का ज्यादा स्टेक है और इंडियन कंपनी का बहुत कम स्टेक है, लेकिन इस इंडियन कंपनी के नाम पे ही इसका नाम रखा गया है, और वो कंपनी है महिंद्रा CIE ऑटोमोटिव लिमिटेड। महिंद्रा एंड महिंद्रा का इसके अंदर में स्टेक लगभग 9% के आसपास है, जो 11-12% के आसपास हुआ करता था। कंपनी ने 3% के आसपास अपना स्टेक घटाया है, और जो फॉरेन कंपनी है उसने अपना स्टेक बढ़ाया है। वो स्पेन की कंपनी है, CIE ऑटोमोटिव लिमिटेड एक स्पेन की कंपनी है, बहुत फेमस कंपनी है, पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, और 50% इंडिया के अंदर में इसका जो प्रोडक्ट बनाती है वो यूटिलाइज होता है, और लगभग 50% ये एक्सपोर्ट करती है। और जहां तक रेवेन्यू ब्रेकअप की बात की जाए तो 59% इसका रेवेन्यू फॉर्जिंग से आता है, एल्यूमिनियम से 12% है, स्टैम्पिंग से 11% है, गियर्स एंड मशीनिंग से 10% है, कास्टिंग से 6% है, और मैग्नेटिक कंपोनेंट जो बनाती है, जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर में इस्तेमाल होते हैं, वो लगभग 3% के आसपास है। जहां तक सेल्स एंड मार्जिन की बात की जाए तो सेल्स एंड मार्जिन में ज्यादा इंक्रीमेंट देखी नहीं गई है, अभी लगभग इसकी सेल्स एंड मार्जिन सही सही चल रही है, ज्यादा बढ़ा चढ़ा की ग्रोथ है ऐसा कुछ नहीं है। इसके नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन मतलब क्या होता है, देखिए बताइए, काम कर रही है तो कमा कितना रही है, 100 रुपये का काम करती है तो 4 रुपये 5 रुपये कुछ कमा रही है कि नहीं कमा रही है? तो लगभग ये 4 से 8 रुपीज़ के बीच में ही इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन रहता है, जो पॉकेट में इसके आता है। इस कंपनी का भाव लगभग 337 रुपीज़ चल रहा है, 325 से 330 के बीच में अगर ये रेंज में अगर आप पकड़ लेते ना इसको, तो सोना है एकदम। और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जो बैठेगा 299 रुपीज़ का स्टॉप लॉस बैठेगा, और जो इसका टारगेट बन गया था वो है 360 रुपीज़, 400 रुपीज़ और 480 रुपीज़ का टारगेट इसका फाइनल बन के आता है। और इस कंपनी को ना सिर्फ छोटे समय के लिए, बल्कि अगर आप 2-3 साल के लिए भी होल्ड करते हैं तो ये लगभग 3 गुना 4 गुना यहाँ से होने की कैपेसिटी रखती है, लगभग 1200-1300 रुपये के भाव को दिखा सकती है ये कंपनी। ये मेरा मानना है, एजुकेशनल पर्पज से बता रहा हूँ। अगर आप इस कंपनी के स्टॉक को लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें, ये पूरा वीडियो एजुकेशनल पर्पज से बनाया हुआ है। मैंने एक अभी हाल फिलहाल में एक NCLT में गई हुई कंपनी का वीडियो बनाया है, बहुत ही लाजवाब है वो कंपनी, वो भी 20 गुना रिटर्न दे सकती है, 20% की बात नहीं कर रहा हूँ, 20 गुना रिटर्न दे सकती है वो कंपनी। NCLT से जस्ट निकलने वाली है वो कंपनी, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे चुका हूँ, आप देख सकते हैं उसे। अब जान लेते हैं हमारी दूसरी कंपनी के बारे में। हमारी दूसरी कंपनी स्टील वायर्स बनाती है। आपने अगर एलिवेटर मतलब लिफ्ट के अंदर में अगर ऊपर नीचे किए होंगे तो उसके ऊपर में एक रस्सी देखते होंगे, वो स्टील वायर की रस्सी रहती है, वो रस्सी के ऊपर ही ऊपर और नीचे मूवमेंट होती है लिफ्ट के अंदर में।
वो वायर्स कौन बनाती है मालूम है? यही कंपनी जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। और ये कंपनी इंडिया के अंदर में और साथ साथ में फॉरेन में दोनों जगह बहुत अच्छा सप्लाई करती है। 50% लगभग इसका एक्सपोर्ट होता है माल और 50% इंडिया के अंदर कंज्यूम होता है। सिमिलरली जैसा महिंद्रा सीआईए में था ना, उसी की तरह से इसके अंदर में भी वही चीज होती है। आपने अगर वायर के ग्रीस देखे होंगे ना, तो उसके अंदर वायर में जो बनाती है ना, वो वायर भी यही कंपनी बनाती है। और माइंस में इसके वायर रॉप्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके टोटल 33 डिस्ट्रीब्यूटर हैं और 14 इंडिया के अंदर में है और 19 बाहर में है, फॉरेन में है। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ इस कंपनी के बारे में। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट लिमिटेड करके कंपनी है, उसको इसने अपना बिजनेस बेचा था। इसका भी ये भी स्टील के सेक्टर में काम करती थी, पहले स्टील मैन्युफैक्चरिंग करती थी और इसने अपने उस सेक्टर को बेच दिया था टाटा स्टील को। अभी उससे ये एक तरह से बर्डन मुक्त हो चुकी है, मतलब एक भार जो होता है ना, वो भार मुक्त हो चुकी है। लगभग 4,000 करोड़ के आसपास इस कंपनी का ब्याज था, वो लगभग इसने ट्रांसफर कर दिया। अभी 500-600 करोड़ के आसपास इस कंपनी का ब्याज है। और एक और चीज़ बता देता हूँ, इस कंपनी में क्या सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, क्या खराब कुछ नहीं है? एक इसमें लूप होल है, इसकी लाइबिलिटी एक 410 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी है, जो गवर्नमेंट को टैक्सेस और ड्यूटीज के रूप में इसे पे करनी पड़ सकती है। कोर्ट कचहरी के चक्कर में ये कंपनी फंसी हुई है। अगर वहां पे कोर्ट का इनके फेवर में नहीं आता है ना फैसला, तो लगभग 410 करोड़ का चपत लग सकती है। तो ये तो होगी इसकी कंपनी की थोड़ी सी ड्रॉबैक की बात। और ये कंपनी मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में बताया था। और जहां तक सेल्स एंड मार्जिन की बात की जाए, सेल्स ठीक है, मतलब ज्यादा अच्छी भी नहीं है और ज्यादा खराब भी नहीं है। स्टील के बिजनेस के जाने के बाद में एक स्लंप तो जरूर आया था, लेकिन फिर भी इसने कॉप अप किया है और अपने ग्रोथ को थोड़ा सा मेंटेन किया हुआ है। इसकी नेट प्रॉफिट मार्जिन लगभग 10% के आसपास घूमती रहती है। इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग लगभग 19 रुपीज के पास में है। 190 रुपए की यह कंपनी है। 5,800 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। यहां पर अगर आप बाय करते हैं तो 170 रुपीज का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में इसे एक्युमुलेट कर सकते हैं। और इसके जो टारगेट बनते हैं वो है 205 रुपीज, 230 रुपीज एंड 260 रुपीज। इस कंपनी का नाम है उषा मार्टिन। अब जान लेते हैं हमारी तीसरी कंपनी के बारे में। हमारी तीसरी कंपनी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टेनलेस स्टील फ्लैट प्रोडक्ट्स है, जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ऑटोमोबाइल फील्ड में किया जाता है, रेलवे के फील्ड में किया जाता है, कंस्ट्रक्शन और कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में किया जाता है। इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग बहुत कम है, जैसा इस सेक्टर के अंदर में अभी चल रहा है। लगभग 8 रुपये के आसपास इसी प्राइस टू अर्निंग चल रही है। एक और चीज़ ध्यान रखना आप, इस कंपनी का जो रेट अभी चल रहा है 249 है। बहुत सारी नाम इसी नाम की कंपनी इस एक्सचेंज के अंदर में लिस्टेड है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। इस कंपनी का नाम है जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड। इस कंपनी के अंदर में खामी क्या है, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन उतनी अच्छी नहीं है। लगभग 2-3% के आसपास नेट प्रॉफिट मार्जिन लास्ट क्वार्टर में इसने क्लॉक किया, उससे पहले 6-7% के आसपास इसने नेट प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन की थी, उससे पहले 10% के आसपास की इसकी नेट प्रॉफिट मार्जिन गई है। इस कंपनी की बोरोइंग लगभग 2015 में 1200 करोड़ के आसपास थी और उसने रिड्यूस करके अभी 3600 करोड़ के आसपास लेके आ चुके हैं अपनी बोरोइंग के लेवल को, जो कि काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव रिस्पॉन्स कह सकते हैं इस कंपनी के लिए। अगर यहाँ पे आप इसको खरीदते हैं 249 रुपीज़ का भाव है, 224 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बैठेगा, 260 रुपीज़, 290 रुपीज़ और 340 रुपीज़ के लेवल के लिए आप इस कंपनी को खरीद सकते हैं। जो पीछे की जो पहली कंपनी महिंद्रा बताई थी मैंने, महिंद्रा सीआई, उसको खरीदते हैं, उसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी एक्युमुलेट किया जा सकता है। यहाँ से 1200-1300 रुपये के भाव दिखाने की कैपेबिलिटी रखता है वो शेयर। और वहीं उषा मार्टिन की बात की जाए तो वो भी 1000 रुपीज़ के लेवल को टच कर सकता है आने वाले 3-4 साल के अंदर में। बहुत अच्छे लॉन्ग टर्म के स्टॉक हैं। और ये जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड भी बहुत ही अच्छा स्टॉक है, जो आने वाले साल में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। आशा करता हूँ दी गई जानकारी आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को।